और धूप से राहत पाने हर कोई अपने हिसाब से इंतजाम कर रहा है, और इस तेज गर्मी से जानवर भी बेचैन हो चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैती गार्डन की, और मैती गार्डन में सारे इंतजाम शुरू हो चुके हैं जो जानवरों को गर्मी से बचा रहे हैं। यहाँ पर शेर खूब शावर ले रहे हैं और भालू भी तरबूज खा रहा है, तो हिरन हल्के फुहार के बीच में अटखेलिया कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि मैती गार्डन में किस तरीके से इंतजाम जो किए गए हैं बचाव के लिए गर्मी से, पक्षियों के लिए, बंदरों के लिए, जहां ग्रीन नेट डाला गया है और वहां बीच बीच में वहां पे स्प्रिंकल के जरिए यहां पर पानी छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा भोजन में भी परिवर्तन किया गया है। जिस तरीके से ठंड का भोजन अलग होता है जानवरों के लिए, गर्मी का भोजन अलग होता है, वहीं सबसे ज़्यादा हालांकि यहाँ पर हरियाली है, शहर से 2 डिग्री कम ही टेम्परेचर होता है, उसके बावजूद भी कई जानवर ऐसे हैं कि जिन्हें गर्मी से बचाना जरूरी होता है, तो लगातार उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाती है ताकि उनका जब मन हो वो आकर के शावर ले सके। क्या है सारे इंतजाम हम देखते हैं, आइए मैती गार्डन में। अगर शावर लेते जो मजा लेते हैं वो यहाँ पे व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर के जो छोटे छोटे बच्चे थे बड़े हो चुके हैं वो शावक। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही शावर का टाइम हुआ, पानी ऑन हुआ और इन शावकों की मस्ती शुरू हो चुकी है। देखिए किस तरीके से वो पानी में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, और आपको बता दूं कि यहाँ पर रेत भी बिछाई गई है ताकि पानी जो बह कर जाता है तो रेत ठंडी रहे और उन्हें यहाँ पे दिन भर ठंडक मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए वो किस तरीके से दोनों जो शावक हैं बड़े मजे से पानी का मजा ले रहे हैं और गर्मी में शावर ले रहे हैं ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। और ये जो गार्डन में इंतजाम है ये लगातार यहाँ पर उनके लिए आर्टिफिशियल जो है पानी का यहाँ पे झरने जैसा बनाया गया है ताकि यहाँ पर जब उनको मन हो वो आकर के यहाँ पे पानी में अपनी जो है गर्मी से राहत पा सकते हैं। देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं मैती गार्डन के व्हाइट टाइगर के केस सीधे आपको ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, और जिस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए, ये केवल शेर के केस में नहीं बल्कि भालू के जो केस बना हुआ है वहाँ पे भी आर्टिफिशियल झरना लगाया गया है ताकि दिन भर पानी में जब भालू चाहे वहाँ पर पानी का मजा ले सकता है। और खाने में जिस तरीके से यहाँ के प्रभारी ने बताया कि इनकी डाइट में भी काफ़ी परिवर्तन किया गया ताकि ज़्यादा गर्म चीज़ें अभी इन दिनों नहीं दी जाती हैं, और जो डाइजेशन के लिए ठीक हो, लाइट हो, वो गर्मी के दिनों में इन्हें खाना भी दिया जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं नजारा हिरन के केस का। देखिए हिरन और बारहसिंघा दोनों साथ में हैं, और देखिए आप उनके लिए जो शावर लगाया गया है वो थोड़ा अलग ढंग का होता है यहाँ पे, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है तो स्प्रिंकल इसमें लगाया होता है ताकि चारों तरफ पानी की फुहार पहुंच सके। और देखिए अभी तेज धूप में तपती दोपहरी में हिरन किस तरीके से यहाँ पर शावर का मजा ले रहे हैं। इंतजाम किए गए हम सर जानते हैं, सर किस तरह के इंतजाम खासकर जानवरों को गर्मी से बचाने, उनके डाइट को लेकर क्या चेंजेस आते हैं अभी गर्मी? जैसे ही अप्रैल का महीना प्रारंभ होता है काफी गर्मी बढ़ जाती है। वर्तमान में टेम्परेचर 42 से 43 डिग्री पहुंचा होगा, आगे आने वाले दिन में 45 डिग्री पहुंचेगा। उसके मद्देनजर विभाग प्रबंधन ने पूरे मंकी और बर्ड सेक्शन में ग्रीन शेड लगाया है, और साथ साथ में जहाँ भालू के केज में एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल फाउंटेन्स लगाए गए डीएस के जितने सामर के इनमें, और साथ साथ में ये टाइगर कंक्लूजन बैक साइड में पूरे रूम में टाइफा की चटाई लगाई है जिससे रूम ठंडकता रहे, और बाहर हम पानी आर्टिफिशियल स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं उनके बॉडी में से उनका बॉडी टेम्परेचर। डाइट की बात करें, डाइट में क्या क्या चेंजेस? खासकर जो मंकी और भालू उनको हम वाटर मिलन जो काफ़ी उसमें वाटर परसेंटेज ज़्यादा रहता है जिससे उनका हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए वाटर मिलन दिया जा रहा है, और इनको जो टाइगर्स को है साथ साथ में चिकन भी दिया जा रहा है। हम केस के पीछे वाले हिस्से में है, और यहाँ से जिस तरीके से शावर देने की जो पूरा सिस्टम होता है, हमारे साथ आरिफ भी जुड़े। आरिफ किया शावर देख के बड़े खुश हो जाते हैं। यहाँ पर गर्मी का समय है और इंसान चाहे जानवर कोई भी हो उनको अपने गर्मी को वो करने के लिए पानी की बहुत सख्त आवश्यकता पड़ती है, और ये तो बच्चे हैं अभी,
और इनको जैसे ही पानी का मतलब वो मिलता है तो इनको एक खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो इसी कारण इनको जो है और बाकी जानवरों को भी सबके पानी के इंतजाम सबसे पहले जरूरी है गर्मी के समय में। तो कितने कितने टाइम इनको शाम के कितने टाइमिंग होते हैं? नहीं, अभी दोपहर में इनको खाना देने के टाइम में बंद कर दिया जाएगा, 4 बजे फिर चालू किया जाएगा इनको पानी का, और फिर शाम के टाइम में जो है फिर बंद करके जाया जाएगा जब तक के पानी इसमें भरा रहता है। क्या क्या नाम है इन दोनों के? रुस्तम राणा और बाबी, ये इन्हीं लोग ही हैं जो है पानी का पूरा आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल, रुस्तम राणा और बाबी तीनों बढ़िया शावर का मजा ले रहे हैं। अब देखिए जिस तरह बच्चे खुश हो जाते हैं पानी में आकर, बिल्कुल छपाछप मस्ती करते हैं, तो वैसे यहाँ पर इनकी जो व्हाइट टाइगर की आप मस्ती आप देख सकते हैं। और आप बिल्कुल देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो टाइगर है मस्ती कर रहा है। वाकई में गर्मी से बचाना हर किसी को जरूरी है, तो हम भी आपसे अपील करेंगे कि मैतीगंज में तो खैर बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं जानवरों को गर्मी से बचाने, लेकिन आप भी अपने आसपास अपने घरों के सामने पानी जरूर रखिए ताकि जानवर से पी सके। खासकर चिड़ियों के लिए भी सकोरे जरूर रखिए ताकि इस गर्मी में चिड़िया को भी पानी मिल सके। कोमल धनेसर, IBC 24।